नगर परिषद अंबाला कैंट के कर्मचारी पर लगा रिश्वत का आरोप, रिश्वत वापस करते हुए वीडियो हुई वायरल। शिकायतकर्ता ने म्यूटेशन के नाम पर 2100 रुपए रिश्वत का लगाया आरोप। 13 साल के बुजुर्ग म्यूटेशन करवाने के लिए नगर परिषद के काट रहा था चक्कर। रेंट क्लर्क और परिषद के ईओ ने सिरे से आरोप को किया खारिज। नगर परिषद अंबाला कैंट में एक अजीब मामला देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग के बेटे दीपक ने रेंट क्लर्क साहिल महेंद्रू पर म्यूटेशन के नाम पर 2100 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले लंबे समय से उनके बुजुर्ग माता पिता को म्यूटेशन के नाम पर तंग किया जा रहा था और उनकी फाइल्स में लगातार गलतियां निकाली जा रही। वहीं बुजुर्ग महिला चंचल ने बताया कि परिषद कर्मचारियों की हर गलती को उन्होंने ठीक करवा दिया था, मगर आज इस रेंट क्लर्क ने उन्हें 2100 रुपए देने व बदले में रसीद देने की बात कही, जो उन्होंने उसे दे दिया, जिसे उसने शोर पड़ने पर रुपए वापस कर दिए। हमने 13 साल से म्यूटेशन के लिए फाइल दे रखी है, कभी वो कह रहे कोई कागज पूरा नहीं है, कभी वो कागज पूरा नहीं है। हमारे दो डेट है, दोनों एक्सपायर, दोनों पूरे प्रूफ हमने दोबारा पालमपुर जाके हिमाचल में एक चंडीगढ़ में रहते हैं, बार बार हमने जितनी बार इन्होंने कहा, बार बार वहाँ से सैल करवा के ले आए। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी हमने बीच में लगा रखे, दोनों जेठों के डेथ सर्टिफिकेट बीच में लगे हुए हैं। ये हमेशा कह रहे कुछ ना कुछ। अब मेरे को दिन कह रहे थे हफ्ता एक पहले भी ईओ साहब के सहन हो गए, तो मेरे से ईओ साहब के सहन कह रहे हो गए हैं, 2100 रुपया दे दो आपको, हम रसीद दे देंगे। उस टाइम में मेरे कोई चीज़ नहीं थी, अब ये 2100 रुपये मेरे को वापस कर गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि मतलब कि ईओ साहब के भी सहन नहीं हो। मैडम फाइल किस चीज़ की थी? म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन करवाने। आठ मकान नंबर का रहने वाले हैं, हमारी फाइल बहुत समय से यहाँ पर पेंडिंग चल रही है, लगभग 12-13 साल से। तो हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मैं तो जॉब करता हूँ तो मैं तो बहुत कम आ पाता हूँ, तो मेरे माताजी और पिताजी बुजुर्ग हैं, वो दोनों ही चक्कर काट रहे हैं काफ़ी टाइम से। कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, और अभी इन्होंने फिर अभी कुछ दिन पहले, आपका 10 दिन पहले इन्होंने बोला कि ईओ के साइन हो गए हैं, अब वो फाइल SDM के पास जानी है, 2100 रुपये दे दो। तो इन्होंने 2100 रुपये भी ले लिए माता जी से, ठीक है, और कह रहे थे कि SDM के पास 2100 रुपये लिए। किसने लिए? ये साहिल नाम के है, ऊपर कर जाता है उन्होंने, मतलब जो फाइल जो देख रहे हैं उनके पास फाइल पड़ी थी हमारी, उन्होंने लिए, ठीक है। तो अभी वो पैसे वापस भी दे गए हैं उनको। अब अभी उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्शन है, अभी हमने चेक करा तो उसमें 2 एफिडेविट बोले, वो दोनों एफिडेविट उसमें लगे हुए थे। तो फिर अब वो बोल रहा है कि मैं अभी साइन कराता हूँ, अभी साइन करता हूँ, भागे भागे आई हो गए ऑफिस में जाके, उन्होंने फाइल रखी, पता नहीं क्या करा, पैसे लेके आए, ऊपर से पैसे वापस कर दिए। हम वीडियो बना रहे थे, वीडियो भी नहीं बनाने दी, वो भी फोन छीन लिया, और अब पता नहीं अभी ऊपर चला गया, अब देखते हैं क्या होता है। इस बुजुर्ग महिला के साथ आए आप पार्टी के कार्यकर्ता आशीष पाथी ने इसे सियासी रंग देते हुए रेंट क्लर्क पर रिश्वत का घिनौना आरोप मढ़ दिया। वहीं उन्होंने कहा कि उसने इस केस के बारे में 12-13 से जानकारी होना बताया। आगे स्वयं सुनिए कि यह आप पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। नाम आशीष पाथी है, मैं आम आदमी पार्टी अम्बालाकैंट से विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। इनका एक्चुअली में तो मुझे मैटर पिछले 13 साल से ही पता है, लेकिन एक प्रशासन पे और सरकार पे विश्वास करके मैंने कभी भी कोई इंटरफेयर नहीं करा। मैंने कहा जैसे तैसे इनके कागज पूरे, उनका काम हो जाए। ये हमेशा मुझे बताते थे कि ऐसे करके दिक्कत आ रही है, मैं भी आता था, रिक्वेस्ट करता था और चला जाता था। इन्होंने 4 बारी एफिडेविट अपने पूरे रिश्तेदारों से, यानी कि अपने भाई से और भतीजों से सबसे बार बार साइन करवाए, इन्होंने 4 बार वो रिजेक्ट कर दिए। अब इन्होंने फिर 13वां साल आज हो गया, इन्होंने सोचा कि चलो एक बारी और, इन्होंने बेचारों ने बुजुर्ग आदमी से कैसे जैसे कागज़ तैयार करके इनको दी, इन्होंने कहा कि कागज़ पूरे हैं, अब मैडम आपके साइन हो जाएंगे। इन्होंने ईओ पे जाके इन्होंने क्या करा, आप हमें 2100 रुपये दे दो और क्या कहते हैं, मैं आपकी फाइल साइन करा दूँगा। इन्होंने कहा जी कोई आप रसीद दोगे इसकी? इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बाद में दे दूँगे। इन्होंने उसके साइन कराने के लिए ले लिए, अंदर कहा, अंदर फाइल लेके गया झूठ मूठ, बाहर आके कह दिया कि आपके साइन हो गए हैं। ये बेचारे खुश थे, इन्होंने कहा मैं SDM ऑफिस भेज रहा हूँ। आज इन्होंने इसे फिर अकेले में बुलाया, इन्हें कह रहा मैडम जी आपके 2 एफिडेविट कम है। इन्होंने सोचा अनपढ़ है, इन्हें पता नहीं चलेगा, कुदरती मैं आ गया, तो इन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने कहा सर कौन से एफिडेविट कम है, किसने ऑब्जेक्शन लगाई है? इन्होंने कहा LA ने लिखा है। मैंने जब एफिडेविट दिखाओ, 2 एफिडेविट जो इन्होंने कहे ना कम है, वो दोनों एफिडेविट थे उसके अंदर। तो ये घबरा गया, ये तुरंत आया साइन कराने के लिए, और अंदर से इनको चोरी छुपे 2100 रुपये दे रहा था। तो मैंने कहा बाहर आके 2100 रुपये किसने लिए? ये मैडम साहिल है, इसने लिए किस पोस्ट पर? साइन कराने के लिए। किस पोस्ट पर? मैडम पोस्ट मुझे पता नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम मिला।
वहीं जब इस बारे में रेंट क्लर्क साहिल महेंद्रू ने अपने ऊपर रिश्वत के लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह है माँ बेटी मेरे पास आए व कहने लगे जो 2100 रुपए कंपोजिशन फीस है वो ले लीजिए और हमें रसीद दे दीजिए, इसमें 2000 रुपए जुर्माने के व 100 रुपए असेसमेंट फीस है, वो लेकर मैं अपनी सीट पर जाने लगा तो पीछे से एक युवक ने रिश्वत कह दिया, जब मैंने वे रुपए उन्हें वापस किए तो मुझे बदनाम करने लगे। मेरा नाम साहिल महेंद्रू है, मैं टैक्स ब्रांच में एज अ क्लर्क काम करता हूँ। ये 1408 हॉस्टल वाले माँ बेटी मेरे पास आए थे तो कह रहे थे ये जो 2100 रुपये ले लीजिए मेरी कंपोजिशन फ़ीस है जिसमें से 2000 फाइन के हैं और 100 रुपये असेसमेंट फ़ीस है, तो मैं लेके जाने लगा, पीछे से एक लड़के ने मेरे को आवाज़ मार ली, कह रहे जी घूस ली। जब मैंने इनको वापसी करे तो उन्होंने मेरे को बदनाम करने के लिए सारी चीज़ें कर। वहीं नगर परिषद के ईओ विनोद नेहरा ने इस मामले में सफाई देते हुए कर्मचारी पर लगे रिश्वत के इल्जाम को सिरे से नकार दिया। इस बारे में डिपार्टमेंटली जांच करके पता चला कि इस बुजुर्ग दंपत्ति की म्यूटेशन फाइल्स पर 2100 रुपए कंपोजिशन फीस बनती है, हमारे कर्मचारी को उन्होंने दी। बुजुर्ग होने से वे प्रथम तल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए साहिल को उन्होंने यह पैसे दिए व रसीद लेनी थी। मामले को बढ़ता देख उसने पैसे वापस कर दिए। यह रिश्वत का मामला न होते हुए मदद का मामला है। 2100 रुपये रिश्वत की है उसने और वापिस करते हुए पकड़ा गया है, क्या मामला है और ये क्या पक्का अप्लाई है? और नहीं, ये जो इल्ज़ाम हमारे एम्प्लॉय पर लगाया गया है ये सरासर गलत है। मैंने भी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करी है और पूछताछ भी करी है इस संज्ञान में, जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया और पता लगाया कि जो बुजुर्ग दंपति आया था उसकी ये हाउस टैक्स की जो मोटेशन की जो फाइल थी उसके ऊपर जो फीस लगनी होती है सरकार के अमाउंट के अकॉर्डिंग वो फीस थी। बुजुर्ग होने की वजह से हमारा जो हाउस टैक्स ऊपर शिफ्ट है तो उसकी वजह से बुजुर्ग ने ये कहा कि बेटा भाई मैं डेली लॉकडाउन में नहीं कर सकता, जो भी फीस बनती है आप मेरी पर्ची कटवा देना, ठीक है, और फाइल साफ से हो जाए तो मैं इसको मेरी मोटेशन करवा दें। इसलिए एम्प्लॉय ने एक सिंथेटिकली बात करते हुए उसको वो फीस उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी जो कि एक सरकारी फीस है, ठीक है। जब ये मामला वहाँ पे उसने ऐसा देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फीस उसने उसको तुरंत प्रभाव से वापस भी कर दी। तो ये रिश्वत का मामला न होते हुए एक सिंथेटिकली मदद का मामला मैं समझता हूँ। नहीं, ऐसा मेरे सामने ये मामला संज्ञान में नहीं आया कि 2100 रुपये की एक फीस उनकी जो बनती थी वो मांगा गया था और वो फीस भी दंपत्ति ने ही अपने जो मेरे संज्ञान में बताया गया मुझे कि दंपत्ति ने ही उसको दी थी और ये कहा था भाई आप करवा दें फीस जमा करवा देना है हमसे, भाई डेली अप डाउन हमारे से नहीं हो पाता। तो सिंपैथेटिकली मामला मैं ये समझता हूँ, रिश्वत का कोई भी ऐसा मामला मेरे दफ्तर में नहीं है।